हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर टू ऑफ चैप्टर मोशन इन क्लास 9। तो पिछले बार हम स्टडी कर चुके थे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद आज की टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में जो है मेरा पहला पॉइंट, डिस्टेंस में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज व इन विच द बॉडी ट्रैवल। ये टोटल जो बॉडी का जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल लेंथ है जो हम ट्रैवल करते हैं मूविंग बॉडी का, इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल। जैसे व्हेन द मैन स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी, जब मैन जो है ए से स्टार्ट चलना स्टार्ट करता है और ए से बी तक पहुँचता है ना, और फिर बी से सी तक पहुँचता है, और तो टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द कवर्ड बॉडी कितना हो गया, ए टू बी एंड बी टू सी, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इज 15 किलोमीटर। तो दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन तो इज नोन द डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है कि बॉडी ट्रैवल करता है एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक, है ना। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजिशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे उसी चीज़ फिगर को हमने दिखा है, व्हेन द बॉडीज व्हेन ए मैन हैज़ रीच द पॉइंट सी, जब मैन चलकर जो है ए से चलकर बी तक गया, बी से चलकर सी तक आया, तो यहाँ पे हम जो देखें कि ए से सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से सी तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट करेंगे। व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द डिस्टेंस ट्रेवल रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पथ, इसमें इनडायरेक्ट पथ है, वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये पहला पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन इज नोन द डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल हैज अलॉन्ग मैग्नीट्यूड, वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस में जो है, जिस जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जो ट्रेवल बॉडी करता है वो जीरो नहीं हो सकता, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी है उसमें क्या होता है कि जीरो हो सकता है। आप देखिए, यह सर्कुलर पथ है। अब यहाँ से कोई बॉडी जो है सर्कुलर ट्रैक पर, जैसे मान के चलिए कि अपना मैदान ग्राउंड है, यहाँ पे मैन स्टार्टेड फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन ही रीच एट द पॉइंट ए, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम इसको लेते हैं तो मान के चलिए कि ये पूरा टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो जहाँ से हम स्टार्ट किए थे फिर हम वहीं पहुँच गए, तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन में, अब वो है स्पीड। स्पीड में हम नोट करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। जिस दर पर, है ना, जिस दर पर हम डिस्टेंस जो है चेंज करते हैं उसको हम स्पीड कहते हैं। इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, d बाई टी, ठीक है।
स्पीड का क्या है कि डायरेक्शन डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड बिगेस्ट यूनिट में क्या होगा किलोमीटर पर हावर। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, ए बॉय हुज कम्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड, एक लड़का जो है 10 सेकेंड में 100 मीटर्स चलता है या आता है, फाइंड द स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, देन स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, दैट इज इक्वल टू 100 बाई 100 अपन 10, कट गया 10 से, तो 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉय। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड सिंपल सा है कि जितने भी हम स्पीड है उसमें जो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस को और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मैंने अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपन द टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज एक है बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। स्पीड में क्या है डिस्टेंस, बट वेलोसिटी में क्या है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि इसमें डायरेक्शन है और स्पीड में क्या है डायरेक्शन नहीं है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस बार से हम डिनोटेट करते हैं, तो एस बार बटा टी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, आर एम सेकंड माइनस वन। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, जिस प्रकार से हम एवरेज स्पीड निकाले थे ठीक उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या है यू प्लस वी बाई टू, क्यों, वेयर यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों आ गया इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो दो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से हम वेलोसिटी चेंज करते हैं उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, टी मीन्स टाइम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलता है एक्सीलरेशन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक पॉइंट है ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं, 5 सेकंड के बाद जो है हम बी पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अब हमको निकालना होगा, तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वी माइनस यू बाई टी। तो पहला हमारा वी क्या था 80 मीटर पर सेकंड, तो 80 माइनस यू कितना था इनिशियल 40 मीटर, तो 80 माइनस 40 अपॉन 5, तो 40 अपॉन 5 तो क्या हो जाएगा कटकर ये डिवाइड होकर कटेगा, तो आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो पर सेकंड स्क्वायर आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, इनिशियल का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो दोनों मिलकर क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन निश्चित है, डायरेक्शन डिफिनिट है, ठीक है ना। तो अब आके चलिए, मान के चलिए कि हम जो है हमारा अब इसमें अगला जो है एक्सीलरेशन में वो है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है, तो आइए चलते हैं रिटार्डेशन में। मान के चलिए कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 80 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड,
है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड में, हम इसको फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हम करते हैं, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी, तो 40 माइनस 80 अपन 5, तो 40 में से 80 गया कितना बचा, माइनस 40, तो माइनस 40 अपन 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस 8 मीटर यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस में आता हो, नेगेटिव आता हो, तो ये किसको क्या 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 कहेंगे, इसको कहेंगे रिटार्डेशन, तो इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो माइनस सिंग इंडिकेट दैट फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, माइनस साइन इंडिकेट दैट फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन का आता हो तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। एग्जांपल लीजिए, ए कार इज मूविंग विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज रिड्यूस द स्पीड टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले इसको हम स्पीड को चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड, तो 72 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, तो 54 इंटू 5/18 54 कट गया, 5 3 15 तो ये 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपका वी भी निकल गया और यू भी निकल गया, तो वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो 15 माइनस 20 अपॉन 10, तो 15 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5/10, तो माइनस 5/10 मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो रिटार्डेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट्स ऑल, तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे, थैंक यू।